दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिल सके सबसे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट। उम्र 43 साल है और 40 साल कहां गंवा दी यही पता नहीं चला, किस अंधेरे में गंवा दी ये भी पता नहीं चला। जिस टाइम मुझे सिक्योर लाइफ का प्लान दिखाया गया था, उस टाइम की हालत बता दूं, बिलीव कर पाएंगे? जो व्यक्ति आज आपके सामने खड़ा है, इसकी एजुकेशन हाई स्कूल थर्ड क्लास है, थर्ड डिवीजन, और इस व्यक्ति के नाम पर, जायदाद के नाम पर 7 बीघे जमीन है आज भी, और वह 7 बीघे जमीन 2 जगह गिरवी रखी हुई थी, बैंक में और प्राइवेट हाथों में। इस व्यक्ति की फैमिली में 3 बेटी, 1 बेटा और 1 वाइफ और 1 मैं। जो व्यक्ति आज आपके सामने खड़ा है, उसके पैरों में जूते नहीं थे, हवाई चप्पलें थी, तन तो ढका हुआ था, कपड़े नहीं थे, और इन 5 जीवनों को चलाने के लिए छत भी मुहैया नहीं थी। मौजूद है आज मेरी टीम के वो लोग जो उस महल पे जाया करते थे, उनसे पूछ सकते हैं, वो 2 मिनट नहीं खड़ा हुआ करते थे। परंतु धन्यवाद देना चाहूंगा उस देवदूत को, देवदूत का दर्जा देता है मेरा पूरा घर, जब मुझे सिक्योर लाइफ में ज्वाइनिंग दिलवा दी। और ज्वाइनिंग भी कैसे दिलवा दी, जब बगैर पैकेज के सिक्योर लाइफ में ज्वाइन हो सकते हैं क्या? तो पैकेज की हालात ये थी कि अगर मेरा बच्चा बीमार पड़ जाए तो 50 रुपए कहीं से नहीं मिलने वाले थे, तो ज्वाइनिंग कैसे होती। धन्यवाद मेरी बड़ी बेटी का, उसने इंटर किया था और 4 महीने बाद 20,000 कन्या विद्याधन मिल गया था। आज मैं भी सिक्योर लाइफ कर रहा हूं, लोग बोलते सोचेंगे बताएंगे, परंतु इस आदमी ने सेकंड डे फोन कर दिया था एसटीडी से कि आज मैं सिक्योर लाइफ में ज्वाइन हो रहा हूं, और आज हो गया तो हो गया, आइंदा कभी हो नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस 20,000 रुपया को कर्जा मुड़ने में देर लगती क्या। दूसरे दिन मैं ज्वाइन हो गया था। अब ऐसे आदमी के साथ टीम बन सकती है क्या? कभी नहीं बनेगी। परंतु धन्यवाद मेरे महागुरु, इन्होंने कुछ ऐसा सिखा दिया, धन्यवाद उस पर्सनैलिटी ने ऐसा सिखा दिया कि एक लगन लग गई, और जिसको 2 बनाना बोलते हैं 9 महीने में बने थे। और दोस्तों, मेरी फैमिली का एक भी कैंडिडेट फंक्शन में नहीं है, परंतु कभी भी शाम को मेरे घर में जाके देख लेना, मेरा हर बच्चा सिक्योर लाइफ का गाना गा रहा होगा शाम के टाइम। और ढोलक के नाम पे पता है कि उन पे होता क्या है, किसी के हाथ में थाली होती है और छत पे गाते हैं वो चढ़ के कि अब सिक्योर लाइफ आने वाली है और हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आएगी, पढ़ने का काम है उनका। दोस्तों, आज उन्हें सिक्योर लाइफ से वो मिल रहा है जो वो जीवन में सोच नहीं सकते थे, क्योंकि पैसे की बात तो सर सुना चुके हैं कि 1 हफ्ता खर्च नहीं होता है, दूसरा हफ्ता बैंक में आ जाता है, तो खर्च कहां से करें? एवरेज व्यक्ति के बच्चे, परंतु आज नहीं रहे वो एवरेज व्यक्ति के। जिस टाइम मैं सिक्योर लाइफ में ज्वाइन हुआ था, मेरे पास मेरा बेटा 6ठी में आ रहा था, उसे एडमिशन करवाने के लिए पैसे नहीं थे, 1200 रुपए का चेक आया था तब उसका 6ठी में एडमिशन हुआ था, परंतु थैंक्स सिक्योर लाइफ, आज मेरा बेटा तो जैसे पढ़ रहा है वैसे पढ़ रहा है, पर आज ये व्यक्ति एक गरीब के बेटे को अपने खर्चे पे पढ़ा रहा है। उस बेटी का कर्जा तो नहीं उतार सकता, पर थोड़ी सी ब्याज लगा के 4.5 लाख रुपया 27 जून को सिक्योर लाइफ की देन से उसको अपनी ससुराल विदा कर दिया मैंने। और वो भी उस गांव की पहली शादी है
कि जो मैरिज होम में हुई है आज तक मैरिज होम में नहीं हुई है शादी कोई भी। दोस्तों जिस घर में साइकिल के बारे में नहीं सोचा जा सकता था, 2 अक्टूबर को ऐसी गाड़ी उस घर में पहुंच जाएगी। और आज 1 आईडी पे काम नहीं करता हूं, 3 आईडी के ऊपर काम करता हूं बरकरार। आज जो भी कुछ मेरे पास देन है, मैं एक ही बात बोलता हूं, बस सिक्योर लाइफ मेरी मां है और ये मेरे महागुरु ग्रैंडफादर हैं। बस जीते में सांस लेता हूं तो सिक्योर लाइफ, और शायद मरने के बाद भी सांस लूंगा तो सिक्योर लाइफ, और कोई नाम नहीं है मेरे पास। और कमाने की अगर बात करूं तो हाई स्कूल 3rd क्लास हूं, मैथ में बहुत कमजोर हूं, हिसाब लगाना आता नहीं है। बस एक ही धोने हमारे महागुरु ओम प्रकाश जी बोलते हैं, बोले सीए बैठते हैं, सीए बैठा दूंगा पर हिसाब लगाना नहीं आता मेरे पास। थैंक यू, इतना ही बोल पाऊंगा। थैंक यू सर। चाहिए चाहिए हफ्ते में 2 लाख, चाहिए हफ्ते में 2 लाख, डायमंड बनना पड़ेगा तब मिलेंगे। थैंक यू। मैं हमारे राकेश जी बोल रहे थे जहां लोग हार जाते हैं, मेरे को बड़ा अटपटा लग रहा था, मैं इनसे कुछ कहा कह तो सकता नहीं, मेरे लीडर है। मेरा जन्म ही सिक्योर लाइफ में हुआ है, बुढ़ा नहीं हूं, एजेंट नहीं हूं, अभी मेरी केवल उम्र जो है वो 6 साल है बस। लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और बन के दिखा सिक्योर लाइफ में डायमंड मर्दानगी। मर्दानगी घर दिखाएंगे, बचत की मर्दानगी दिखाएंगे। बोला बचत नहीं करता, आवारा है, खर्च करता है। मैं अपने बेटा से बोलता हूं खर्च कर, खर्च कर, कितना करेगा, कर तू हफ्ते में 2 लाख आ रहे साले, कितना कर लेगा, 50,000 कर लेगा, कर दे। मैडम बोले, बोला अच्छी सी साड़ी के लिए, बोला नहीं नहीं मर्दानगी दिखा देते, मैं मर्दानगी दिखाता हूं, करवा चौथ वाले दिन तेरे को जितने 1,000 की साड़ी लानी है लिया। दोस्तों मैं तो यही आपके बीच में रहता हूं, कभी भी मेरे से आप मिल सकते हैं, लोग मेरे घर पे जाते रहते हैं, मैं यहां बुलंदशहर मिलता रहता हूं, मौका है मेरे मेंटर्सों को सुनने का। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि आज हर आदमी एक फैसला करके बाहर जाएगा कि जीवन में एक बार डायमंड तो बनना है, क्योंकि एक बात सोचिएगा कि अगर लाल बहादुर शर्मा डायमंड बन सकता है तो लाल बहादुर शर्मा एक ही बात बोलता है कि रिक्शे बाला भी इस सिस्टम में डायमंड। थैंक यू। मुझे भी और आप लोगों को भी, उन लोगों को सुनने का मौका मिला है, उन लोगों को जानने का मौका मिला है जिन्होंने बुलंदशहर में ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में डायमंडों का जाल बिछा दिया है, लाखों घरों में खुशियां भेजी हैं, लाखों घरों में गाड़ियां भेजी हैं, और लाखों मेरे जैसे गरीबों के घर बनवाए हैं। काश सोचिए
कि मेरे को जसवीर सिंह ज्वाइनिंग नहीं करवाते तो क्या मैं डायमंड होता? क्या मेरे रोजाना घर खेत प्लॉट खरीद रहा होता? जसवीर सिंह ने मेरे साथ बुरा किया या अच्छा? कितना अच्छा किया? ईश्वर की जगह पर अगर किसी दूसरे की पूजा होती है तो हमारे घर में एक ही नाम है, वो है मिस्टर। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।